Welcome to Business Communication and Presentation Skills video lectures in Hindi. This is designed for LDRP ITR and VSITR colleges of Kadi Sarva Vishwavidyalaya for the students of semester 1 and semester 2. Today we are going to cover chapter 11, and that is reading skills. And in this chapter I have put some interesting three questions for a mind refresher, and because it is theory based chapter, I have liked it and I'm sure you will also like it. समय समय पर लोगों ने सोचा है कि रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है. आप अपने समय के साथ जो चाहे कर सकते हो और करने के लिए बहुत कुछ काम है. पढ़ना, यहाँ पढ़ना मतलब रीडिंग, कई कारणों से महत्वपूर्ण है. हम कुछ मूलभूत कारणों को देखेंगे, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि स्ट्रगलिंग विथ रीडिंग स्किल्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आई एम सेइंग रीडिंग स्किल्स कम बुद्धि का संकेत नहीं है. परंतु ऐसे कई लोग हैं जो दवा की बोतल पर निर्देशन को समझने के लिए पर्याप्त रूप से रीड नहीं कर सकते, और ये एक डरावना सच है, विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए. ये कभी कभी खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए उनको सहायता करने के लिए कोई ना हो. तब कोई लोग हैं जो मदद के बिना एक एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते, जैसे कि आधार कार्ड. अगर आधार कार्ड में आपका नाम सुधार करना है तो नेम चेंज एप्लीकेशन भरना पड़ता है. रीडिंग वार्निंग साइंस, ये सब मुश्किल हो जाता है बाद में. इसी वजह से आप निराश, क्रोध और भय महसूस करते हैं. ऐसा क्यों करना है? इट इज़ बेटर दैट वी अंडरस्टैंड रीडिंग. अच्छी नौकरी पाने के लिए रीडिंग एक महत्वपूर्ण कौशल है. कार्यस्थल पर अगर आपका पढ़ने का कौशल कम है तो जो लिखा है उसे समझने के लिए समय की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले आप उसे समझेंगे फिर जवाब देंगे. हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं. मन यानी कि माइंड एक मांसपेशी है, इसके लिए व्यायाम की ज़रूरत है. रीडिंग करने से दिमाग का विकास होता है. रीडिंग से लैंग्वेज स्किल में सुधार मिलती है. रीडिंग से बच्चों और एडल्ट्स को बात पर ध्यान को केंद्रित करने में मदद मिलती है. रीडिंग एक अच्छी सेल्फ इमेज विकसित करने में बुनियादी है. यदि आप कम पढ़ते हैं तो आपके पास कम ज्ञान होगा, फिर आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है. आपके विषयों में अंक भी कम आते हैं क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़ सकते. केवल पढ़ने से ही हम कभी न खत्म होने वाले जीवन मृत्यु के संघर्ष में सशस्त्र हो सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने टाइप्स ऑफ रीडिंग्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं. स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. हम सब स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव तरह के रीडिंग करते हैं. हालांकि इस बात पर ध्यान नहीं केंद्रित करते कि हम कब और किस प्रकार का रीडिंग करते हैं, यानी कि कब हम स्किमिंग करते हैं, कब हम स्कैनिंग यूज़ करते हैं, कब हम इंटेंसिव रीडिंग यूज़ करते हैं और कब हम एक्सटेंसिव रीडिंग यूज़ करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू स्किमिंग. स्किमिंग इज लाइट रीडिंग टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द कंटेंट. जब लोग केवल महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को खोजने की इच्छा रखते हैं तो वे अक्सर स्किम करते हैं. इसमें विभिन्न स्ट्रेटजीज शामिल हैं. उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अखबार के लेख का ओवरव्यू लेना चाहता है तो वो हेडलाइन या शुरुआती लाइन या पहला पैराग्राफ पढ़ता है, जिसे सूचनाओं का अवलोकन होता है. शीर्षक पढ़ने के बाद अगर दिलचस्पी नहीं है तो बाकी का पैराग्राफ पूरा स्किम कर देते हैं. ये उन टूल में से एक है जिसका उपयोग आप कम समय में अधिक पढ़ने के लिए कर सकते हैं. जैसे नॉन फिक्शन रीडिंग या फैक्चुअल मटेरियल हो तो स्किमिंग से आपकी ओवरऑल समझ इस विषय के लिए कम हो जाती है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ते. आप केवल वही पढ़ते हैं जो आपके पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे अभी के वक्त में कोविड-19 चल रहा है. आमतौर पर स्किमिंग को प्रति मिनट रीडिंग लगभग 1000 शब्दों में किया जाता है. मान लीजिए कि आपके कुछ दिनों में परीक्षा है, आपको आपके कोर्स की सामग्री का ओवरव्यू करने की आवश्यकता है, लेकिन
आप सब कुछ फिर से पढ़ना नहीं चाहते, तब आप स्किमिंग करेंगे। आप उन पॉइंट्स का पता लगा सकते हैं जिन पर आपको अभी तक मास्टरी नहीं हासिल हुई है और आप सिर्फ उस मटेरियल का अध्ययन करना चाहते हैं। स्किमिंग को और समझने के लिए एक और उदाहरण दे रही हूँ। जब घर पर बटर मिल्क छाछ बनाना हो तो दही को स्किम करते हैं। अगर ये प्रोसेस स्लो करेंगे तो बटर मिल्क बनेगा? नहीं बनेगा ना। सो स्किमिंग इज फास्ट रीडिंग। ये मैंने स्किमिंग समझने के लिए एक उदाहरण दिया है, इसको एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? सो स्किमिंग इज यूजफुल टूल इफ एनी ऑफ द आंसर्स इज यस। प्रश्न यह है कि कब स्किम करें? जब आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। यदि इनमें से किसी का भी जवाब हाँ यानी कि यस है, देन स्किमिंग इज यूजफुल फॉर यू। पहला प्रश्न है, इज दिस मटेरियल नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन पहले बता दिया, फैक्चुअल मटेरियल। क्या कम समय में मुझे बहुत कुछ पढ़ना है? तीसरा सवाल, क्या मुझे पहले से ही इस टॉपिक के बारे में कुछ पता है? चौथा, क्या मैं कुछ मटेरियल स्किप कर सकती हूँ? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब आपका यस है तो स्किमिंग, यू हैव टू डू स्किमिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्किमिंग समझ आ गया होगा, तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेती हूँ। 10 सेकेंड का वक्त ले लीजिए और जवाब देना है, वीडियो पॉज नहीं करना है। क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ यू ड्रॉप अ येलो हैट इन रेड सी? योर काउंट स्टार्ट्स। टेन। अगर आपको जवाब मिल गया है तो गुड, अदरवाइज द आंसर इज द हैट विल बिकम वेट। लेट्स मूव ऑन टू स्कैनिंग। स्कैनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक आइटम जैसे कि टेलीफोन नंबर, डेट, टाइम आदि को खोजने का प्रयास करता है। स्कैनिंग में अभी आप कुछ नहीं पढ़ते, सॉरी, स्कैनिंग में सब कुछ आप नहीं पढ़ते। किसी विशेष जानकारी की तलाश में व्यक्ति की आंखें तेज गति से ऊपर नीचे होता है। और जब आपको कुछ जानकारी जानना है तो आप ऊपर नीचे जो तेज गति से देखते हो उसकी बात कर रहे हैं। स्कैनिंग प्रति मिनट 1500 या अधिक शब्दों में की जाती है। यू कैन स्कैन व्हेन यू लुक फॉर अ फेवरेट शो लिस्टेड इन द केबल गाइड। जब आप ट्रेन का समय जानना चाहते हैं तो आप स्कैन करते हैं। व्हाइल चेकिंग योर रिजल्ट यू स्कैन। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट स्कैनिंग। द एक्सरसाइजेस, यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। कहाँ पे कंप्लीट करना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा आपका एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन। यहाँ पे दो टेबल दिए हुए हैं, LDR, PITR, ट्रेन टाइम टेबल एंड देन TV शो लिस्टिंग। तो टेबल को पहले मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। विच ईयर CID रिलीज्ड? अब सबको पता है कि CID कोई ट्रेन का तो नाम नहीं है, तो हम कहाँ देखेंगे? TV शो में देख के आपको उसका इसका जवाब देना है। वॉट इज द डेस्टिनेशन फॉर ट्रेन नंबर C8769? अब ये ट्रेन लिखा हुआ है तो आप कहाँ जाके देखेंगे? ट्रेन के टाइम टेबल में। विच आर द TV शोज दैट कैन बी वॉच्ड बाई ऑल द एज ग्रुप? TV शोज लिखा हुआ है तो TV शोज के टाइम टेबल में जाके देखेंगे। गिव द ट्रेन नंबर फॉर डेस्टिनेशन कॉन्फिडेंस? अगेन ट्रेन, तो आप ट्रेन के टेबल में देखेंगे। वॉट डज NR इन द टेबल TV शो लिस्टिंग मीन्स? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि TV शो लिस्टिंग में देखना है, तो आप जाके TV शो लिस्टिंग में देखेंगे। तो इसका जवाब देने के बाद, क्या आपने पूरा का पूरा टेबल पढ़ा? ट्रेन का टाइम टेबल आपने पूरा का पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या TV शो लिस्टिंग का टाइम टेबल टेबल आपने पढ़ा पूरा का पूरा? नहीं पढ़ा। दिस इज वन एक्सरसाइज एंड वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड स्कैनिंग। एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी वीडियो पॉज कर लीजिएगा और अपना एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये पूरे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे इसमें आंसर करेंगे।
प्रश्न ये है, राइट डाउन द वर्ड्स ऑफ इटैलिक एंड बोल्ड लेटर्स फ्रॉम द पैराग्राफ इन द कमेंट सेक्शन, मेंशन एनरोलमेंट नंबर एंड बैच। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको इटैलिक्स या तो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, लिखने के बाद अगेन आस्क योरसेल्फ, क्या आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा? तीन पैराग्राफ, तीन पॉइंट्स थे, आपने पढ़े? नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या है, इटैलिक। आपका आपका पर्पस क्या है, इटैलिक्स में क्या लिखा है, बोल्ड में क्या लिखा है, उसको पढ़ना और उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। सो दिस इज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्कैनिंग। स्कैनिंग में आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ते, और जो स्पेसिफिक आइटम आप जानना चाहते हैं उसी को आप उठाते हैं और उसी को आप पढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस सम अप स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। टू सम अप स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। स्कीमिंग इज एसेंशियली रीडिंग थ्रू समथिंग वेरी क्विकली, इट गिव्स यू इनफ इंफॉर्मेशन टू बी एबल टू रिटेन अ समरी, बट नॉट इनफ टू रिमेंबर ऑल दैट यू रीड। Scanning is typically reading through quickly in search of specific key terms or phrases. Scanning tends to cause you skip over a large amount of material than skimming. मतलब skimming में आप fast पढ़ते हैं, scanning में भी आप fast पढ़ते हैं, skimming में थोड़ा बहुत कुछ आपको याद रहता है और scanning में आप बहुत कुछ चीजें छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। आई स्टार्ट विथ टी, एंड विथ टी, एंड विद इन मी इज टी, हु एम आई? डोंट पॉज द वीडियो, डोंट गूगल इट। ऑल राइट, इफ यू नो द आंसर एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, हियर इज द आंसर। Teapot. Oh, good job. Moving on to the next topic. And next topic is intensive reading. Video courtesy हमारे बच्चे। कक्षा में अगर अध्यापक true या तो false, true और false में जवाब देने को कहेंगे तो आपका reading कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना? इंटेंसिव रीडिंग भाषा पर केंद्रित करता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, आपने ट्वेल्थ में कॉम्प्रिहेंशन किया हुआ है, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के उत्तर दे रहे हो तो उस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसे समझना इम्पॉर्टेंट है। इंटेंसिव रीडिंग में आमतौर पर शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई अज्ञात शब्द और कठिन टेक्स्ट होते हैं। इसका मतलब है कि रीडिंग इज स्लो। आपको शब्दों का अर्थ समझने के लिए हर कुछ सेकंड में पढ़ना बंद करना पड़ता है। इस प्रकार का रीडिंग भाषा सीखने वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये उन्हें शब्दावली को समझने में मदद करता है। इंटेंसिव रीडिंग लंबे समय तक जानकारी को याद करने में मदद करता है। बचपन में जब हमने अल्फाबेट या तो नंबर्स सीखे थे, वे इंटेंसिव रीडिंग था, क्योंकि आज भी हमें याद है। है कोई ऐसा जिसको अल्फाबेट्स और नंबर्स याद नहीं है? परीक्षा के ठीक पहले भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन या तो मटेरियल पढ़ना अच्छा काम नहीं है। यू फॉरगेट एवरीथिंग आफ्टर योर एग्जामिनेशन, और ये आपको एक्सपीरियंस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिव रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग को याद रखने के लिए आप O P Q R S T U ऐसे याद रख सकते हैं। O stands for overview, P stands for purpose, Q stands for questions, R stands for reading, S stands for summarize, T stands for testing, U stands for understanding. O P Q R S T U। हमारे पास ओवरव्यू करने के दो तरीके हैं, सर्वे और स्किमिंग।
As you get an overview of a long section, you may only survey parts and skim the sections that are hard to understand. मतलब जो आपको पढ़ना है उसको आप सर्वे कीजिए. सर्वे कीजिए मतलब आप एक बार उसको देख लीजिए और परख लीजिए. उसके बाद जो आप करना चाहते हैं उसको स्किम करिए. जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको स्किम कीजिए. मतलब बचपन में, अगेन हम बचपन की ओर चले जाते हैं, मम्मी या तो पापा जब हमें पढ़ाते थे तो वो चैप्टर को पहले सर्वे करते थे, उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते थे और उस हिसाब से आपको पढ़ाते थे. उस हिसाब से वो भी स्किम करते थे और उस हिसाब से आपको पढ़ाते थे. तो ये ऑर्गेनाइज, और वो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाते थे. ठीक है, तो पर्पस, हमें क्या जानकारी चाहिए, हमारी समझ कितनी विस्तृत होनी चाहिए, हमें ये जानकारी कब तक याद रखने की आवश्यकता है, अगले दिन परीक्षा के लिए या पूरे जीवन के लिए. अगर हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, तो इससे रीडिंग डिटेल में पढ़ सकते हैं. पर्पस, हर चीज का पर्पस होता है, इसलिए यहां पे पर्पस. पहले हमने ओवरव्यू किया, ओवरव्यू करने के बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमने ली. उसके बाद आता है क्वेश्चंस. जिस तरह से ओवरव्यू लिखा गया है, मतलब आपने जो ओवरव्यू लिया आपके चैप्टर का या तो आपके पढ़ने का, उसका ओवरव्यू लिया है, उसी फॉर्मेट में प्रश्न तैयार करें. ये आपको भी पता है कि अगर आपने कुछ पढ़ा और एक प्रश्न ऊपर वाले पैराग्राफ से लिया और एक प्रश्न एंड के पैराग्राफ से लिया, तो आपके पास वो लिंक नहीं रहेगा. इसलिए, और कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं ऐसी परेशानी क्यों उठाऊं, मैं बार बार एक चीज को पढ़ूंगा. पर रिसर्च बताता है कि यदि आप प्रश्न जानते हैं तो उत्तर खोजना आसान है और याद रखना भी आसान है. हमने एक्सरसाइज किया, हमारे पास प्रश्न था और उसका जवाब मिलना आसान था. राइट, ओके. सो नेक्स्ट इज रीडिंग. रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहां पढ़ने का मतलब केवल लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, पर्पस एंड क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लाइन बाय लाइन पढ़ना है. आपका पर्पस क्या है, आपका प्रश्न क्या है, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन उसे पढ़िएगा. नेक्स्ट इज समराइज. प्रत्येक पैराग्राफ में एक या दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता ही है. जिन पॉइंट्स को आप याद रखना चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों में कहें. मैं टीचिंग करते समय भी मैं आपको बोलती थी कि वट एवर यू अंडरस्टैंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. समराइज करने के लिए आपको पैसेज को बारीकी से पढ़ना चाहिए, मेन आइडियाज एंड सब आइडियाज को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, सो बारीकी से कैसे पढ़ने का, मेन आइडियाज एंड सब आइडियाज को ध्यान में रखते हुए. यू कैन अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, यू कैन मेक नोट्स. वट एवर यू डू, डोंट ओवर डू इट. जब आप पढ़ते हो तो कुछ बच्चे होते हैं जो अंडरलाइन करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अंडरलाइन भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं. तो जब पढ़ने की बारी आती है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, अंडरलाइन वाला इंपॉर्टेंट है या नोट्स वाला इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब डोंट ओवर डू इट. आपको याद होगा जब लैब में जीडी कर रहे थे, जिन लोगों का जीडी खत्म हो चुका है, जो समराइज करता है उसे ध्यान रखना पड़ता है कि किसने क्या कब कौन से पॉइंट्स बोले हैं. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग. नेक्स्ट इज टेस्टिंग. टेस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस, टेस्ट बाय फिल इन द ब्लैंक्स. यू मस्ट प्रोड्यूस एन आंसर फर्मली इन योर माइंड. टेस्टिंग कैन बी आफ्टर पैराग्राफ, पेजेस और एट द एंड. क्या क्या करना पड़ता है? यस, इट इज इम्पॉर्टेंट. टेस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस. आपने कुछ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको याद है कि नहीं, उसके लिए आपको अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ेगा. और अगेन, प्रश्न उस हिसाब से, मतलब इट शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, नॉट इन जंबल्ड अप मैनर, तो ही आपके पास वो लिंक रहेगा.
अलग अलग टेस्टिंग का, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हियर. यू आस्क अ क्वेश्चन, आप फिल इन द ब्लैंक्स. पर हाँ, क्वेश्चन पूछने के बाद आपके पास जवाब होना जरूरी है. पर टेस्टिंग आप एक पैराग्राफ के बाद भी कर सकते हो, अलग अलग पेजेस के बाद भी कर सकते हो, और एट द एंड भी कर सकते हो. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग. अंत में आप सभी प्रश्नों को समझने में सक्षम होने चाहिए. यदि पढ़ते समय किसी पॉइंट को छोड़ देते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपको वापस जाके उस पॉइंट को तुरंत रिव्यू करना चाहिए. ये आप अपने नोट्स को दोबारा पढ़कर कर सकते हैं. तो प्रश्न पूछा, नहीं आया, 5 प्रश्न पूछे, नहीं आया, 3 आए और 2 नहीं आए, तो आपको उसके मतलब यू शुड गो बैक, उसको पढ़ें और आप उसको फिर से लिखें. सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे. ब्रेक का क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड रिवर्स विथ नो वाटर, सिटीज विथ नो बिल्डिंग एंड फॉरेस्ट विथ नो ट्रीज. टाइम स्टार्ट्स. Time is up. The answer is map. Right? Yes. Great job. Moving on to extensive reading. यहाँ पे भी courtesy, मैंने आप लोगों से फोटो मंगवाए थे, कुछ लोगों ने भेजे और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है. Extensive reading आनंद के लिए पढ़ा जाता है, मतलब आप खुशी खुशी में पढ़ते हो. To get रिफ्रेश्ड. इस प्रकार के रीडिंग में आपको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखने की जरूरत नहीं है. यह समझने में आसान है. जब आप पढ़ते हैं तो रिलैक्स्ड फील करते हो. एक्सटेंसिव रीडिंग आपको पढ़ने की आदत डालने में मदद करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंसिव रीडिंग. देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सटेंसिव रीडिंग अप्रोच. छात्रों के पास अपनी पसंदीदा पुस्तक चुनने का विकल्प होता है. There is a lot of variety in books. छात्र अपने इंटरेस्ट के आधार पर जो पढ़ना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं. यदि किताब सिलेक्ट करने के बाद वह पुस्तक कठिन या पसंद नहीं आया तो बदल भी सकते हैं. इस प्रकार का रीडिंग यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग सामान्य समझ के लिए है. पढ़ना व्यक्तिगत और साइलेंट है. भाषा अधिक कठिन या अधिक आसान नहीं होना चाहिए. यदि पढ़ने के दौरान डिक्शनरी यूज करना पड़े तो ये पढ़ने को डीमोटिवेट करता है. रीडिंग अपने पसंद का और भाषा भी सरल है तो पढ़ने की गति तेज होती है. ओके, सो समरी ऑफ व्हाट वी कवर्ड. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये थियोरी बेस्ड चैप्टर है, तो बीच बीच में कुछ माइंड फ्रेशर्स समरी देना जरूरी है. सो व्हाट डिड वी कवर अप टिल नाउ. टाइप्स ऑफ रीडिंग. टाइप्स ऑफ रीडिंग में स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, जिसको याद रखने के लिए OPQRSTU, ओ फॉर ओवरव्यू, पी फॉर पर्पस, क्यू फॉर क्वेश्चन, R for reading, S for summary, T for testing, U for understanding. Characteristics of an extensive reading approach. Reading material is easy, variety of choice, reading for pleasure, language is easy, reading is faster. इसको हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है, पर reading मटेरियल जो होता है वो इजी होता है. आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं. ये आप अपने प्लेजर में, मतलब जब भी जैसा भी बुक चाहिए आपको खुशी मिले ऐसी बुक पढ़ते हो. उनका लैंग्वेज जो पढ़ते हो उसका लैंग्वेज, वो लैंग्वेज इजी होता है और इसकी वजह से आपका रीडिंग फास्ट होता है.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पुअर हैबिट्स ऑफ रीडिंग. हम सभी के पास खराब आदतें हैं. यदि आप बुरी आदतों को दूर करना चाहते हैं तो उसको अच्छी आदतों से रिप्लेस करना होगा. तो आइए देखते हैं पढ़ने के पुअर आदतें कौन कौन सी हैं. वी विल कवर 6 पॉइंट्स हियर. मूविंग योर लिप्स व्हेन यू रीड, वोकलाइजिंग एंड सब वोकलाइजिंग, रीडिंग एवरीथिंग एट द सेम स्पीड, regressing out of habit, reading one word at a time, information overloading and lack of preparation. इसको example के तौर पर मैं समझाऊंगी. The first is moving your lips when you read. आप अब है अभी भी बहुत लोगों को आदत है कुछ भी पढ़ो तो लिप्स मूव करते हैं. मतलब आप अपना होंठ हिलाते हैं पढ़ते समय. जैसे अगर ये पढ़ने ये एक स्टोरी निकाला है, स्टोरी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है. अगर इसको पढ़ना है तो लिप्स मूव करके पढ़ोगे तो ये रीडिंग में आपकी गति जो है वो स्लो हो जाएगा. ट्राई करके देख सकते हो. यहां पे अगर वीडियो पॉज कर रहा है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. वोकलाइजिंग एंड सब वोकलाइजिंग. वोकल मतलब यहां से जो आवाज गले से, मतलब गले से जो आवाज निकलता है उसको. कुछ लोग होते हैं ऐसे पढ़ते हैं. ऐसे पढ़ने वाले भी होते हैं. ये वोकलाइजिंग करते समय आपका रीडिंग स्लो हो जाता है, इसलिए इसको पुअर हैबिट्स ऑफ रीडिंग में डाला गया है. एक है आप लिप आपका लिप मूवमेंट, सेकेंड है वोकलाइजिंग एंड सब वोकलाइजिंग. रीडिंग एवरीथिंग एट द सेम स्पीड. चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में मैंने बताया था अगर सीधी लाइन है दैट मीन्स इट इज बोरिंग. बट नॉट द मंकीज, बेबी लाइन सेड दे थ्रो पूल्स एट अस. द नाइट व्हेन बेबी लाइन वॉज स्लीपिंग मम्मी लाइन स्पोक टू डैडी लाइन, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द बर्थडे, हाउ आर वी गोइंग टू गेट ऑल द बर्थडे थिंग्स. मजा आया? नहीं आया, बिकॉज एवरीथिंग एट द सेम स्पीड. तो जब हर चीज आप सेम स्पीड में पढ़ोगे तो आपको खुद को भी मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो आपको आपका रीडिंग स्लो हो जाएगा. दिस इज द थर्ड वन. फोर्थ वन, रिग्रेसिंग आउट ऑफ हैबिट. वी नीड टू गेट द बस इन टाउन, वेल वी कांट गेट द बस, वी आर लायंस, द मंकीज डिड. वी नीड टू गेट द बस इन टू टाउन, द मंकीज डिड. I will go and speak to the monkeys. I will go and speak to the monkeys. I will go and speak to the monkeys. Daddy lion said. कुछ लोगों को आदत होता है कि जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ने का. This is called regressing out of habit. तो बार बार समझने के बाद अगर बार बार अगर आप पढ़ोगे तो भी आपका रीडिंग स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट, रीडिंग वन वर्ड एट अ टाइम. वेट अ moment. I want to speak. I am not going to try and eat you. What is it? Daddy monkey asked. Well, you know how you went into town and got some stuff, right? Reading, aapka reading slow ho raha hai. So reading one word at a time is again poor habit of reading. Information overloading and lack of preparation. होता है कि नहीं होता है? होता है. Last minute reading. हम सब करते हैं. मैं भी कर चुकी हूं और आप लोग भी करते आ रहे हो. Last minute reading. Last minute reading में आप जो पढ़ रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं दोनों का understanding अलग हो सकता है. So
दिस इज अगेन पुअर हैबिट्स ऑफ रीडिंग. तो छह पुअर हैबिट्स हमने देखे. मूविंग योर लिप्स व्हेन यू रीड, समराइजिंग कर रही हूं. वोकलाइजिंग एंड सब वोकलाइजेशन. थर्ड, रीडिंग एवरीथिंग एट द सेम स्पीड, रिग्रेसिंग आउट ऑफ हैबिट. फिफ्थ वन, रीडिंग वर्ड वन वर्ड एट अ टाइम, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन. अब बैड हैबिट्स तो हैं, अब इसको ओवरकम कैसे करें? ओवरकम पुअर हैबिट्स ऑफ रीडिंग. ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, आई हैव टू रीड अ होल बुक और आई ओनली हैव अ सिंगल बुक टू रीड. पहला व्यक्ति क्या बोल रहा है? आई हैव टू रीड द होल बुक, मुझे ये पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा. दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है? अरे मेरे पास तो एक ही बुक है. राइट एक अफसोस कर रहा है और एक बोल रहा है कि मेरे पास बुक ही नहीं है, एक ही बुक है. कुछ एक छात्र होने के नाते यदि आप पढ़ना एक बोझ मानेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीखेंगे. सीखने के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये जानना इम्पोर्टेंट है. क्वालिटी रीडिंग एवरीडे, यस. पूरी किताब पढ़ने के बजाय यदि पुस्तक के कुछ पेजेस पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसी से शुरुआत करें. अगर आपको लगता है कि फेसबुक पर क्या लिखा है या तो दुकान की सूची को पढ़कर आप ऐसे कहेंगे कि मैं एक अच्छा रीडर बनूंगा, तो भूल जाइए उसे. बी अलर्ट वाइल रीडिंग, कंटेक्स्ट पर ध्यान दीजिए. कंटेक्स्ट पर ध्यान दिए बिना केवल शब्दों को देखना बेकार है. आई एम रिपीटिंग, कंटेक्स्ट पर ध्यान दिए बिना केवल शब्दों को देखना बेकार है. कुछ लोग होते हैं शब्दों को घूर घूर के देखते हैं. अवॉइड कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो जाइए और कुछ और ऐसा काम कीजिए जिसे आपको अच्छा लगे, एंड देन कम बैक विथ फ्रेश माइंड. एक ही समय पर फिल्म देखना और रीडिंग करने वाला प्रतिभाशाली मैंने तो नहीं देखा है. सो प्लीज अवॉइड, हाउ टू ओवरकम द पुअर हैबिट्स, थिंक वेल टू रीड वेल, क्वालिटी रीडिंग एवरी डे, यस. बी अलर्ट व्हाइल यू आर रीडिंग, डोंट रीड एवरी वर्ड. अवॉइड मर्मरिंग अगेन, जिसको लिप मूवमेंट बोल सकते हैं. अवॉइड कॉमन डिस्ट्रैक्शन, आपको पता है कॉमन डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं? फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए. इस चैप्टर के लास्ट अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं, SQ3R. ये दिसंबर 18 को फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है. SQ3R, S है, Q है और 3 R है. S stands for survey, Q stands for question, R stands for read, first R stands for read, second stands for recite and third stands for review. So SQ3R is 5-step technique that you can use to learn more effectively and to increase your retention. आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इस मेथड से आप याद रख सकते हैं. सर्वे, आपको याद होगा आप जो पढ़ना चाहते हैं उसको एक बार देख लीजिए, फिर उसी प्रकार उसका क्वेश्चन तैयार कीजिए. क्वेश्चन तैयार करने के बाद उसे पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको रिसाइट, से द आंसर लाउड, और अगर कुछ नहीं आया तो उसको रिव्यू कीजिए. दिस इज SQ3R method. Now, when you should use SQ3R? That is also a question. SQ3R is an excellent technique to use with textbooks that provide you with a lot of information and require you to learn the material in depth. Jab material in depth padhoge, before you read, survey the chapter. Question while you are surveying, then read the question, answer the question. If you don't know the question, review the answer.
So this is SQ3R. अब एक डिफरेंस देख लेते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में. ये भी पूछा गया था मई 2019. माफ कीजिएगा, यहाँ पे नंबर्स लिखते समय एक में जीरो आ गया है. प्लीज रीड इट एज वन. स्किमिंग, अ फास्ट रीडिंग मेथड दैट गिव्स द रीडर एन आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट और द पैराग्राफ इज अबाउट विदाउट हैविंग टू रीड फुल. पूरा पढ़े बिना आपको टेक्स्ट या तो पैराग्राफ के बारे में पता चल जाता है. उसी तरह स्कैनिंग, अ फास्ट रीडिंग मेथड दैट अलाउज द रीडर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट और पैराग्राफ. अगर याद होगा टेबल एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू. स्कीमिंग, दिस मीन्स रीडिंग द इंट्रोडक्शन, द हेडलाइन, सब हेडलाइन और द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कंटेंट. मतलब आप या तो इंट्रोडक्शन पढ़े या तो हेडलाइन पढ़े या तो सब हेडलाइन पढ़े या तो पैराग्राफ का एक दो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. स्कैनिंग में दिस मीन्स गोइंग थ्रू द कंटेंट और आर्टिकल क्विकली, से लुकिंग फॉर अ नेम, डेट, प्लेस, टेलीफोन नंबर. स्कीमिंग मेथड, दिस इम्प्लाइज नॉट हैविंग टू रीड द कंटेंट बिफोर. आपने इस कंटेंट को पहले कभी नहीं पढ़ा है. Scanning, this implies previously knowing the information that is being looked for. आपको पहले पता है कि आपने पहले देखा हुआ है और आपको ये information मिल जाता है. Skimming में fourth, it gives the reader enough information to be able to retain a summary but not enough to remember all you read. क्योंकि आप सब कुछ पढ़ते हो तो आपको कुछ तो याद रहेगा पर सब कुछ याद नहीं रहेगा. Scanning, scanning tends to cause the reader to skip over a large amount of material because when you are scanning you bypass material so the reader don't have to attempt to retain most of it. Don't यहाँ पे बहुत सारा information आप skip करते हैं तो सब कुछ याद रखने का मतलब ही नहीं होता है, मतलब आप याद ही नहीं रख सकते. So this is the difference between skimming and scanning. जो आपको कुछ जो मई फाइनल में 2019 में पूछा गया था. हमने एक्सरसाइज वन किया, हमने एक्सरसाइज टू किया. एक्सरसाइज के बिना तो समझ में आया कि नहीं आया वो पता नहीं चलता है और ये चैप्टर भी वैसा ही है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन. अगेन मेंशन एनरोलमेंट नंबर एंड डिविजन. हर क्वेश्चन के बाद एंटर दबाइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. आंसर लिखने के बाद एंटर दबाइए. सेकेंड क्वेश्चन, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. आंसर लिखिएगा और उसके बाद एंटर दबाइए. नंबर थ्री, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग. इसका भी आंसर लिखिए और एंटर दबाइए. फोर, Write two poor habits of reading. Write the answer. Press enter. Write the full form of SQ3R. इसका जवाब लिखने के बाद सबमिट कर दीजिए विथ रिप्लाई और समथिंग, जो भी ऑप्शन आता है. तो कितने एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में? तीन एक्सरसाइज. तो आपके कमेंट सेक्शन में आपको कितनी बार लिखना है? पहला एक्सरसाइज वन, दैट इज योर फर्स्ट कमेंट. सेकेंड इज एक्सरसाइज टू, दैट इज योर सेकेंड कमेंट. देन थर्ड एक्सरसाइज थ्री, दैट इज योर थर्ड कमेंट. आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा उम्मीद है, कि भले ही थियोरेटिकल है. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @chiefcoordinator@ldrp.ac.in, या तो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं. बट प्लीज़ मेंशन योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, ब्रांच एंड डिवीजन एंड एक्सपेक्ट अ रिप्लाई विद इन 24 आवर्स. स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.